हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, वीक वन की यानी कि पहला हफ्ता जो 2022 का है उसकी फुल टीआरपी आ चुकी है, जो कि हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखते रहिए। सारे शोज़ की टीआरपी जानने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो टॉप जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उनकी कैसी रैंकिंग आई है इस हफ्ते, कैसी पोजीशन आई है। तो गाइज़, नंबर 10 पर है एंड टीवी, इस हफ्ते नंबर 9 पर है कलर्स रिश्ते, उसके ऊपर नंबर 8 पर है स्टार भारत, नंबर 7 पर सोनी पल, नंबर 6 पर है सोनी टीवी, नंबर 5 पर स्टार उत्सव, नंबर 4 पर है जी टीवी, नंबर 3 पर सब टीवी, नंबर 2 पर कलर्स और नंबर 1 पे है स्टार प्लस। टॉप 3 चैनल्स पहले हफ्ते के स्टार प्लस, कलर्स और सब टीवी। बढ़ते हैं इंडिविजुअल शोज़ की तरफ। सबसे पहले एन टीवी की टीआरपी देख लेते हैं। तो गाइस, बाल शिव की टीआरपी 0.2 आई है, एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 0.3, घर एक मंदिर की 0.3, एक्चुअली यहाँ पे करेक्शन है कुछ, 0.3 है घर एक मंदिर की टीआरपी इस हफ्ते, भाभी जी घर पर हैं की 0.4 और हप्पू की उल्टन पल्टन की 0.3, यानी कि हाईएस्ट टीआरपी पहले हफ्ते में भाभी जी घर पर हैं की आई है एंड टीवी पर। बढ़ते हैं अब हम अगले चैनल की ओर, जो कि है स्टार भारत। और ससुराल गेंदा फूल 2 की टीआरपी आई है इस हफ्ते 0.2, तेरा मेरा साथ रहे की 0.5 है, जय कन्हैया लाल और राधा कृष्ण दोनों की भी 0.5 है, तो तीनों शोज की 0.5 है, लेकिन ससुराल गेंदा फूल 2 जो है वो लोएस्ट परफॉर्मर है स्टार भारत का इस हफ्ते भी, उसके टीआरपी जो है 0.2 आई है। और बाकी तीनों शोज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं चैनल को देखते हुए। बाकी स्टार भारत में राजन शाही का एक काफ़ी बिग बजट शो आने वाला है, तो अब हम देखते हैं आने वाले महीनों में कि वो कैसा परफॉर्म करेगा, बिकॉज उससे एक्सपेक्टेशन थोड़ी लग रही हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है टीआरपी के मामले में, बिकॉज उसकी स्टार कास्ट काफ़ी बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा जो उसके मेन चेहरे हैं उनके काफ़ी बड़े बड़े फैन बेसिस हैं, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करेगा वो। बढ़ते हैं हम अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है दंगल टीवी। दंगल टीवी के शोज़ पे नज़र डालें तो रक्षाबंधन की टीआरपी जो है 0.4 आई है इस हफ्ते, मन सुंदर की 0.5, सिंदूर की कीमत की भी 0.5 और नथ जेवर एंड जंजीर की 0.4, रंग जाऊं तेरे रंग में की टीआरपी 0.5 है। ये तो तीन शोज़ की 0.5 है और दो शोज़ की 0.4 है, चैनल को देखते हुए ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं सारे ही शोज़ इनके। तो ये तो था दंगल टीवी। अब बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ, जो कि है सोनी टीवी। इसके शोज़ पे नज़र डालें तो मेरे भाई की 0.8 टीआरपी आई है, पुनेश लोकैलिया के भाई की भी 0.8 टीआरपी आई है, दोनों ही शोज़ हमेशा से सोनी के लिए काफ़ी स्टेबल रहे हैं, काफ़ी कांस्टेंट टीआरपी लेकर आते हैं, तो वैसे ही इस हफ्ते भी लेकर आए हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। 2 की टीआरपी में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल गया है, 0.7 से 0.6 हो गई है, कामना की 0.4 है, शार्क टैंक इंडिया की 0.5 है, लेकिन ऑनलाइन जो फैन बेस है शो का काफ़ी ज़्यादा बन गया है, लोग काफ़ी इसको इसमें इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। धड़कन जिंदगी की 0.2 टीआरपी है, क्राइम पेट्रोल के रिपीट टेलीकास्ट की 0.2 है इसकी भी, इंडियाज बेस्ट डांसर रियलिटी टीवी शो की 1.8 है और द कपिल शर्मा शो की भी 1.8 है, तो दोनों रियलिटी टीवी शोज़ के 2 से नीचे है, लेकिन स्टिल हाईएस्ट परफॉर्मर्स हैं दोनों रियलिटी टीवी शो ही सोनी टीवी के लिए। सोनी के लिए हमेशा से रियलिटी टीवी शोज़ जो हैं वो स्टिक आउट किए हैं बाकी शोज़ से, काफ़ी ज़्यादा टीआरपी लेकर आते रहे हैं हमेशा से ही सोनी टीवी के लिए, भले वो इंडियन आइडल हो, सुपर डांसर हो, केबीसी हो या फिर इंडियाज़ बेस्ट डांसर हैं कपिल शर्मा शो हो। नेक्स्ट चैनल की ओर बढ़ते हैं तो जी टीवी के शोज़ पे नज़र डालें तो इस मोड से जाते हैं कि टीआरपी 0.5 आई है इस हफ्ते, रिश्तों का मांझा की 0.7, मीत बदलेगी दुनिया की रीत अच्छी टीआरपी लाई है हर हफ्ते की तरह, 1.5 की टीआरपी लेकर आई है, काफ़ी स्टेबल काफ़ी अच्छी टीआरपी, काशीबाई बाजीराव बलाल की 0.9 टीआरपी आई है इस हफ्ते, भाग्य लक्ष्मी की 2.2, तो भाग्य लक्ष्मी की टीआरपी में काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है, और एक कुमकुम कुंडली के काफ़ी पास आ चुकी है, कुमकुम भाग्य की 2.5 है जो कि जी टीवी के लिए हाईएस्ट है इस टाइम पर, कुंडली भाग्य की 2.3, तो तीनों ही भाग्य वाले शोज यानी कि भाग्य लक्ष्मी, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य चैनल के हाईएस्ट परफॉर्मर्स बने हुए हैं इस टाइम पर, तीनों के 2+ की टीआरपी लेकर आ रहे हैं तीनों, तेरे बिना जिया जाए ना की 1.2 है, अगर तुम ना होते 0.7 और सारे गामा पा की 1.4। तो आइए बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है हमारे पास सोनी सब। तो सब टीवी की टीआरपी देखें तो मैडम सर के 7:30 बजे वाले टेलीकास्ट पे जो टीआरपी है उसकी 0.5 आई है, जिद्दी दिल माने ना की 8 बजे की 0.6 टीआरपी आई है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की 1.8 आई है इस हफ्ते, वागले की दुनिया की 1.0, तो वागले की दुनिया स्टिल स्टेबल है 1 की टीआरपी लेकर आ रहा है चैनल के लिए, शुभ लाभ की 0.6 है, तेरा यार हूं मैं की 0.4 है, जो शो ऑफेयर भी जा रहा है। मैडम सर के 10:30 बजे वाले एपिसोड्स पे टीआरपी जो है 0.6 आई है, तो मैडम सर का कुछ फिक्स नहीं है, कई बार 7:30 बजे वाले पे ज़्यादा टीआरपी आ जाती है, कभी कभी 10:30 बजे वाले पे ज़्यादा टीआरपी आ जाती है, लेकिन दोनों टाइम स्लॉट्स पे जो टीआरपी है वो बुरी नहीं है, टाइम स्लॉट्स को देखते हुए अच्छी टीआरपी लेकर आ रहा है मैडम सर, इसी के कारण जो है तेरा यार हूं मैं ऑफेयर हो गया, हो रहा है, और मैडम सर स्टिल बच गया बिकॉज वो मुश्किल टाइम स्लॉट्स पर भी ठीक डिसेंट टीआरपी लेकर आ रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है कलर्स टीवी। तो गाइस, सबकी प्यार की सीजन 2 लेकर आया है 0.9 की टीआरपी इस हफ्ते, ससुराल सिमर का सीजन 2 1.6, उड़ारियां 2.5, अर्ली टाइम स्लॉट वाले शोज सारे साथ साथ
काफ़ी अच्छी टीआरपी लेकर आते हैं हमेशा ही कलर्स टीवी के लिए, तो इस बार भी काफ़ी अच्छी लेकर आए हैं। छोटी सी धारणी की जो टीआरपी 1.6 आई है, बालिगा 2 की 1.1 आई है, इससे जितना एक्सपेक्ट किया था लीप वगैरह के बाद उतनी टीआरपी लेकर नहीं आ पा रहा है ये चैनल के लिए। चैनल वालों ने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी इससे कि टाइम स्लॉट चेंज और लीप के बाद इसकी जो टीआरपी है वो ज़्यादा आएगी, लेकिन नहीं देखने को मिल रही। सिर्फ तुम की 1.5 टीआरपी है, नीमा डेन सोंगपा की 1.3 है, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी की 1.1, मोलकी की 0.9 टीआरपी आई है, और बिग बॉस की अगर हम बात करें तो वीकडेज वाले एपिसोड की 0.9 आई है और वीकेंड का वार वाले एपिसोड्स की 1.1 आई है। रणवीर सिंह के बिग पिक्चर की बात करें तो 0.9 की टीआरपी वो लेकर आए हैं पहले हफ्ते में। तो आइए बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है हमारे पास स्टार प्लस, इसके शोज ने कैसा परफॉर्म किया देख लेते हैं। चीकू की मम्मी दूर की लाई है 0.7 की टीआरपी इस हफ्ते, विद्रोही की 0.6 आई है। कभी कभी इत्तेफाक से जो कि नया सीरियल है स्टार प्लस का, तो गाइस उसकी ओपनिंग टीआरपी 1.0 आई है, तो इस पर हम बाद में बात करते हैं। पांडे स्टोर की 1.9 है, घूमे किसके प्यार में की 3.1 है, इमली की 2.9 आई है, और साथ निभाना साथी है 2 की 2.1 टीआरपी आई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 2.9 आई है इस हफ्ते, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है। अनुपमा की 4.2 है, बहुत ही अच्छी हर हफ्ते की तरह टीआरपी लेकर आता है। ये है चाहते कि 2.8 आई है, तो गाइस इसकी टीआरपी में भी हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। और डांस प्लस की 0.9 आई है, हाईएस्ट परफॉर्मर्स वही हैं, अनुपमा, इमली, गुम है किसी के प्यार में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये है चाहते। ऑलमोस्ट सारे शोज़ बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो गाइस वीक वन के टीआरपी के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड थे और क्यूरियस थे, वो इसलिए स्टार प्लस के जो फैंस हैं, बिकॉज कभी कभी इत्तेफाक से जो कितनी ज़्यादा देर तक पोस्टपोन होने के बाद फाइनली स्टार्ट हुआ था, और इसकी ओपनिंग टीआरपी अब हमें देखने को मिल गई है। और इसकी ओपनिंग टीआरपी आई है 1.0 आई है, जो कि ठीक है, ठीक ठाक है टाइम स्लॉट को देखते हुए। और गाइज मैंने इसी शो पर प्रेडिक्ट द टीआरपी वाला वीडियो भी बनाया था, तो जिसने बिल्कुल सही गैस किया है, बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करी है इसकी टीआरपी, उनका नाम मैं लूँगा। लेकिन उसके पहले कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि एक तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करा होना चाहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ना दबाओ लेकिन सब्सक्राइब तो होना चाहिए, और आपने एक ही कमेंट यानी कि एक ही टीआरपी गैस करी होनी चाहिए, ये नहीं कि 1.0 भी लिखी है 1.5 भी लिखी है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 1.0 सही गैस करी थी, लेकिन ये वाले जो रूल्स हैं इनमें से किसी ना किसी को फॉलो नहीं करा हुआ था, लेकिन जिन्होंने करा हुआ है उनका नाम मैं लेने वाला हूँ। अविनाश ठाकुर, संस्कार पांडे, YHC अपडेट, हरविंदर कुमार, रोहन, शीला राय, भावेश शर्मा, तो इन सारे लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया है 1.0 टीआरपी, और इन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब करा हुआ था। तो ऐसे ही प्रोडक्ट वाले वीडियोज़ और भी मेरे आते रहेंगे, और अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका नाम भी ऐसे लिया जाएगा अगर आप बिल्कुल सही टीआरपी को गैस करेंगे। तो गाइज ये थी साल की पहले हफ्ते की फुल टीआरपी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट शो, आपका फेवरेट चैनल कौन सा है। ऐसी फुल टीआरपी डिटेल्स हर हफ्ते पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसको दबा लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं ऐसे टीआरपी वाले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप अपडेटेड रहें टीआरपी वीडियोस से, पता चलता रहे आपको आपका फेवरेट शो या चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।